गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वी आर बैक इन इंडिया। हाँ, सिंगापुर का ट्रिप काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी थ्रिलिंग था, बट नाउ वी आर बैक, तो लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। बट आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में, जो सिंगापुर का लास्ट व्लॉग था, उसमें बताया था कि मुझे यहाँ से हैदराबाद जाना है। वो हैदराबाद भी मेरा फिनिश हो गया, मैं वापस आ गई मुंबई। मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, आई जस्ट अटेंडेड द फंक्शन, मेट माय मोस्टली ऑल द फ्रेंड्स और मैं वापस आ गई। अभी मुझे वापस हैदराबाद जाना है थोड़े दिनों में, क्योंकि वो जो फंक्शन था जिसे मैं अटेंड करने के लिए गई थी, वो एक छोटा सा फंक्शन, छोटा था ही वो तो, उनका तो वो भी बहुत बड़ा फंक्शन था, बट वैसे नाम के लिए वो एक सिर्फ पार्टी थी। बट वो होने के बाद अब जो मेन फंक्शन शुरू हो रहे हैं, संगीत एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब के लिए मुझे वापस से जाना है। सो वृति भी आई हुई है, तो लास्ट 3 दिन से आई हुई है आई थिंक वृति, बट मुझे पीरियड्स आए हुए थे तो मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं किया। लास्ट के 5 दिन बहुत डेड गए मेरे, तो आज फाइनली मैं और वृति निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं। बेसिकली मुझे हेयर कट, हेयर कलर, नेल्स चेंज कराने हैं, ये क्योंकि हैदराबाद जाऊंगी तो तब तक तो वैसे भी जो थोड़े दिन में जाऊंगी बहुत आगे आ जाएगी ग्रोथ, तो मुझे चेंज तो करवाना ही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि क्योंकि अगले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत काम है, मुझे एक शूट भी करना, 2 ब्रांड्स का शूट करना है, काफी चीजें हैं, तो मैं ना निपटा रही हूँ जो हो सकता है निपट जाए। वृति आ गई है, कोई वो है बेल्ट? हाँ, मेरी सर अलमारी में जाके देख ले। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वृति भी आई हुई है, तो हमने सोचा कि हम साथ साथ, हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और मेरे साथ साथ काम हो जाएंगे। तो मुझे नेल्स वगैरह कराने थे, वृति को लगा कि उसे भी छोटे मोटे काम है तो हम करा लेंगे। तो अभी हम आराम से गाड़ी में बैठ के फिर मैं आपको वृति से ढंग से मिलवाती हूँ। अभी वो भी रेडी हो रही है, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। मेरे को बाल बाल कराने हैं, मेकअप कराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ से सारा तो मेकअप वेकअप हट जाता है फिर, एंड एज सच कोई रीजन भी नहीं है मेकअप करने का। सो आई वाज लाइक आई विल गो जस्ट लाइक दिस ओनली। हाँ, क्या क्या करेंगे आज पूरे दिन में मुझे पता नहीं है, आई विल जस्ट कीप यू गाइज विद मी। क्या क्या करना है पूरे दिन में, वी विल कीप यू गाइस विद मी। करना तो हमने बहुत कुछ है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उठ के जा रहे हैं, दर्द हो रही है, इसको पीरियड आने वाले हैं अब, एक्चुअली दर्द हो रही है, मिल ही नहीं मुझे वो। अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं वृति को जरा बेल्ट दे दूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चल चल, ये लगा ना, कुछ नहीं लगा रही, मैंने चश्मा लगा लिया, मैंने चश्मा सिर्फ तेरे लिए लगाया, लगा नहीं लगाऊंगी, ये नाम ही नहीं लगाती हूं, हां नहीं, ये पॉइंट है, बड़ी गंदी लग रही है, तू लगा ले, बड़ी गंदी लग रही है, तो तेरे दांत पे लगा हुआ है, है साफ कर दे, दांत से ये लगा ले, ये नहीं, तू मेरे भी लगा, इधर लगा, क्या व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन लाइफ, जो तू ढंग से लगा, मैनेजर को देखो मेरी कसम लगे, ढंग से लगा ले, ऐसे बन के हाथ चलो लड़कियों, थोड़ा लड़की का बिहेव करो, बेटर लेट्स गो नाउ। ओके, तो हम लोग निकल गए हैं मॉल के लिए, आ गए हैं हम लोग, हेयर कट और इसकी हेयर कलर की कंसल्टेशन ले रहे हैं। अगर तूने कलर चेंज करना है तो हम किसी कलर में भी देख सकते हैं, नहीं नहीं ब्लॉन्ड में नहीं, अच्छा नहीं लगता, बहुत कॉमन। वृति ओनली इज डिसाइडिंग फॉर मी क्या हेयर कलर करना है। दिस इज एश, नो दिस इज नॉट एश, आई विल शो यू, एक मैं आपको ना शेड दिखाती हूँ, अगर आप कर सकते हो इसका। सो ऐसा सा कुछ फाइनल किया है और हम थोड़े और छोटे कर रहे हैं एक्चुअली बाल, और छोटे, आई फील लाइक पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है सारे बाल कटवा दूं मैं अपने, सो काफी छोटे करवा रही हूं मैं, शायद इतने हो गंजी हो जाओ ना, नहीं बहन मैं आ गई हूँ पेडिक्योर कराने के लिए, तब तक साथ में ये एक पैच टेस्ट करने के लिए एक लट लेके बालों की, उस पर कलर लगाया है, तब तक पेडिक्योर होगा और ये इसका रिमूवल होगा। तुझे पता ना मैं क्या क्या पहन रही हूँ, उस हिसाब से देख ले, हैदराबाद में क्या क्या पहन रही हूँ वो देख ले। इधर नेल्स का काम चालू हो गया है, तो प्लान सारा चेंज हो गया है, अभी मैं हेयर कलर नहीं करा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो हम चाहते हैं, जो हम चाह रहे थे कि जो हमें लुक चाहिए थी वो मेरे बालों पे नहीं आ रही है, पैच टेस्ट करके देखा है यहाँ कहीं पे तो वो नहीं आ रहा है, तो शी इज़ सेइंग कि यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट सेम रिजल्ट और इवन सिमिलर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, मेरे बाल बहुत डैमेज हो जाएंगे, तो इसलिए फिर अभी आई हैव डिसाइडेड कि हेयर कट तो मेरा वही है, छोटे करवा लिए मैंने बाल, इनको ही बस मैं सेट करवाऊँगी और रूट टचअप है थोड़ा सा वो करवाऊँगी, सो कैंसिल हो गया हमारा हेयर कट। अच्छा, कर लेते हैं, सॉरी टुडे हेयर कट डन, काफी छोटे बाल करा लिए मैंने, काफी छोटे हैं
बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए, बट ठीक है, इट्स ओके. सो अभी मैं और प्रीति आ गए हैं मेरी फेवरेट जगह पे, जो कि है सोडा बॉटल ओपनर वाला. आपको हेयर कट कैसा लग रहा है मेरा? बहुत 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 अच्छा. और उससे इसलिए और मेरे को जेलसी भी हो रही है क्योंकि मेरा बड़ा मन है कटवाने का और मुझे कोई कटवाने दे तो मैं किसी से पूछती हूँ, इंक्लूडिंग ज्योति गाइस, मैं कटवा लूँ. आए हाय नहीं खुद कटवा लूंगी पर तेरे नहीं कटने दूंगी. नहीं कट, तेरे बाल बहुत प्यारे लगते हैं प्रीति. और इसके बाल मैं आपको ना, आपने पता नहीं पीछे से देखा नहीं देखा, इतने तू चल रही है ना ऐसे टम 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 ट्वीट की तरह, क्यूट लग रहे हैं बाल. और अभी इसने मेरा बहुत बड़ा पोपट भी किया है. मैं एक परफ्यूम खरीदने वाली थी, थैंक गॉड इसने वो परफ्यूम नहीं लिया. बैकग्राउंड दे देती हूँ. अच्छा दे. बैकग्राउंड ये था कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ये परफ्यूम और मैंने सोचा मैं जाती हूँ चेक करती हूँ. और मैं जाके चेक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. बट ऑब्वियसली बहुत महंगा था, बड़े ब्रांड का, बहुत बड़े ब्रांड का था. तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है देखती हूँ, सोचती हूँ लूँगी मे बी. तो अभी वृति के साथ थी तो मैंने वृति को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को टेस्ट कराना है, अगर यहाँ पे भी पड़ा हुआ हो तो तू आ मेरे को बता. इसके भगवान ने इसको बुद्धि दी और लिटिल ब्रेन जो इसने मुझसे पूछा, मैं बता देती हूँ ब्रांड कौन सा है और मैं इसका, ठीक है. मैंने कहा चलो मैं इसकी कोई नई कलेक्शन आई है मैंने भी नहीं देखी, तो मैं पूरा ज्योति का फेस बना के बहुत अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा होगा. ऐसे लग रहा था पीच पीच खोल के पीच के अंदर बैठ गई है. और फिर ऐसे कह रही है यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था. 10 minutes इन टू द कॉन्वर्सेशन 5 मिनट बाद कहती है शुगर है नहीं लिया. बाय द वे ये है वो परफ्यूम, ये वाला जो जिसकी बात हो रही है. अरे पिक्चर लगाओगी ना. द खाना इज हियर. दिस इज गिवन टू अस बाय सोडा वाटर ओपनर वाला ऑन द हाउस है ये हमारे लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू द नेक्स्ट डे. जैसे कि आप लोगों को पता है इस व्लॉग में आप मुझे वैसे वाले काम निपटाते हुए देखने वाले हो जो मुझे करने थे लाइक हैदराबाद जाने से पहले, मेरे ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले. सो आज भी वही दिन होने वाला है. मैंने और वृति ने सोचा, बाय द वे वृति की तबीयत ख़राब हो गई, लाइक उसको पीरियड्स आ गए हैं अब, तो शी इज़ ऑल्सो इन पेन नाउ. बट हमने डिसाइड किया कि थोड़ा निकलते हैं, कोई बात नहीं. ऑलरेडी उसे इतने दिन हो गए हुए हैं आए हुए और हम हार्डली बाहर जा रहे हैं, तो आज भी हम जा रहे हैं अपना अगला काम करने के लिए. वृति अपने आप को पुश कर रही है काफ़ी और मैं भी काफ़ी पुश करके अपने आप को रेडी हुई हूँ. लिपस्टिक लगाई है? हाँ लिपस्टिक लगाई है आज मैंने. कल जैसे मेरे को वो नहीं सुनना था तेरे से, पूरा टाइम सुनती रही हूँ मैं कल वृति से. 3 बार तो इसने मुझे अपनी वो दी है लिप बाम, ये लगा लिप बाम नहीं, क्या था वो लिप ऑयल, ये लगा और वो पिंक से कलर की मुझे तो पसंद ही नहीं है. एनीवे सो आज मैंने अपने आप ही अपना पसंदीदा कलर लगा लिया ताकि इससे पहले ये बोले मुझे. तो एनीवे वृति इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी. She is pushing herself. I know. But I am not pushing her, okay? हम दोनों ने decide किया है कि भाई निकलते ही हैं. हाँ घर पे बैठ के सल्की करेंगे फालतू में, तो इसलिए ठीक है चलो आपको मैं मिलती हूँ अब थोड़ी देर. ओके तो हम लोग घर से निकल गए हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है. सो आई एम ट्राइंग टू लोकेट अ स्टोर. दो दिखा रहा है देख, इन्फिनिटी मलाड और एक फीनिक्स मार्केट सिटी कुरला. कुरला देखती हूँ कितनी दूर दिखा रहा है. फीनिक्स मार्केट सिटी कुरला ये 59 मिनट दिखा रहा है, वो 1 मिनट 4 सेकंड दिखा रहा है. 1 घंटा 4 सेकंड. हाँ सॉरी कहाँ पे ज्यादा देर को लगता है? 1 घंटा 4 मिनट सॉरी. वाशी क्यों नहीं दिखा रहा फिर इसमें? ऐसा तो नहीं कि वहाँ गए और वहाँ पे बंद हो गया है जी? कॉल कर लिया अगर वहाँ का स्टोर का नंबर आ रहा था. फीनिक्स मार्केट सिटी इन्फिनिटी. हाँ यार पलेडियम फीनिक्स चले फिर. हाँ 1 घंटा दिखा रहा है, साथ में ही है हम. अच्छा डाल तो ले मैप में, तो डाल ले तू दे फोन फिर गाड़ी भी चलाऊंगा फिर. तो तेरे पास फोन नहीं है तो फिर उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी. तो ये है ना चार्जर हमारे पास मेरी ऑलरेडी. कैसे खींचूंगे? कर लेना बाबू क्या लगा ले मैप. क्या डालना है? फीनिक्स मार्केट सिटी. बाबू गाड़ी चलाऊंगी रास्ता देखो. लेट्स गो, वी गोइंग टू फीनिक्स मार्केट सिटी. काफी अजीब सा बैकग्राउंड है. आपने मेरी वीडियो में कभी ये बैकग्राउंड देखा नहीं है बट या आई वॉन्टेड टू बाय. मैं बेसिकली फेबररी में मेरे बर्थडे मंथ में हमेशा आई बाय न्यू लॉन्जरी, लाइक हमेशा फ्रेश न्यू लॉन्जरी मैं बर्थडे पे लेती हूँ. उसका कारण ये है कि जहाँ से मैं हमेशा लास्ट 6-7 सालों से जो मैं ब्रांड पहनती आई हूँ वो लोग बर्थडे वाले मंथ में मुझे 10% डिस्काउंट देते हैं. तो मैं आती हूँ वकोल पे, वकोल है ब्रांड का नाम, और यहाँ से 5-6 अपने जो जितने भी लेने होते हैं वॉट एवर वो ले लेती हूँ. सो आज हम लोगों ने
ले लिया और आज 29th February है, लास्ट डे पे मैं आई हूँ, बट मुझे मिल गया 10% डिस्काउंट। कितने पेयर लिए अपन ने? तूने 5, मैंने 1। हाँ, एक रीति ने भी ले लिया 1 और 5 मैंने ले लिए सेट। ओके, तो शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। लंच घर में बना हुआ था बट आज का हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर निकलने का। अब निकल गए हैं तो फिर हम बाहर ही खाएंगे। सो वी आर एट अ प्लेस कॉल्ड कैफे दिल्ली हाइट्स, विच इज़ अपेरेंटली अ वेरी बिग प्लेस कैफे चेन ऑफ दिल्ली। एनी वे, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ एग्स बेनेडिक्ट आर वे, दिस इज वॉट आई एम ऑर्डरिंग। हेलो हेलो, चेकिंग इन आफ्टर 2 hours, 1 hour, पता नहीं, आई डोंट नो। हम लोग आए हैं तनिष्क, अब जिस शादी में मुझे जाना है वहाँ के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है उनकी बेटी के लिए जिसकी शादी है। ये वाला 14 कैरेट गोल्ड में। ओके, एक तो हमें ऑप्शन ये पसंद आ रहा है, दूसरा कहाँ है जो हमने पसंद किया है? वो उधर की प्राइस चेक। हाँ, देख सुंदर तो है पर मेरे को ना बहुत डेंटी सा लग रहा है। और कोई दिखाना है? जो खरीदे ये देख, ये ट्राई कर। हां, एनी डे दिस वन है ना, एनी डे। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर डे। लास्ट एक दो दिन हम थोड़ा पार्टी कर रहे थे और थोड़ा सा ज़्यादा क्रेजी हो गया था सीन, बिकॉज लाइक मैं और वृति पार्टी करके सुबह 7 बजे घर पहुँचे हैं। लाइक हमने 3 जगह पे ऐसे क्लब हॉपिंग टाइप की है। तो शी वॉज ऑल्सो पार्टी इन बॉम्बे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरा तो आपको पता है मैं ज़्यादा पार्टीज वगैरह करती नहीं हूँ, किसी कारण से जाना पड़ जाए थोड़ा बहुत कहीं तो चली जाती हूँ बट हार्डली एवर। सो ऑनेस्टली बोथ ऑफ अस नीडेड टू जस्ट गेट आउट, हैव फन एंड टॉक अलॉट, तो वो हुआ। तो फिर इसलिए लास्ट एक दो दिन मैंने व्लॉग नहीं किया एंड आज अब फाइनली मंडे है एंड आज डेट है 4th of March। तो हमारी 2 दिन पहले 2nd March को बेडशीट्स लॉन्च हुई थी। सो जब लॉन्च होती है कोई नई चीज़ तो थोड़े कंपेरेटिवली मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो आज हमें खूब सारे ऑर्डर्स पैक करने हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। अभी तक टीम भी नहीं आई है अभारी की, सो मैं जल्दी आ गई हूँ। मैंने कहा मैं शुरू कर देती हूँ काम, उनका टाइम 10:30 का है बट आई एम श्योर 12:30 तक जब हमारा पिकअप वाला आता है सारे पार्सल्स लेने के लिए तब तक पैकिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। मुझे व्लॉग भी करना था, आपको सब चीज़ें बतानी भी थी, तो वो चीज़ें। अच्छा, बाय द वे आप बोलोगे मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा जो ऑफिस है वो भी तैयार हो चुका है, 90% तैयार हो चुका है। एक दो चीज़ें और ऐड होंगी तो जैसी वो हो जाएंगी तो आपको दिखाऊंगी। मे बी जब मैं वापस आ जाऊंगी हैदराबाद से तब मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा हमने तैयार किया, बट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है तो आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। तो आज ऑर्डर्स पैक करने हैं, उसके बाद फाइनली आज मुझे फाइनल वाला काम भी कराना है, यानी कि जो मैंने नेल्स को थोड़ा सा ब्रेक दिया था उस दिन, ये नेल्स करवाने हैं मुझे क्योंकि कल मुझे ट्रैवल करना है हैदराबाद फाइनली फॉर द फंक्शंस। तो कल है संगीत, परसों है रिसेप्शन एंड तरसों है विदाई का लंच। तो वैसे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं बट मैं इतने सारे फंक्शंस के लिए नहीं जा सकती थी, तो मैंने लास्ट के 3 दिन चूज़ किए जिसमें मैं जा रही हूँ बिकॉज मेरा लॉन्च भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। और वृति भी आज मेरे घर से चली जाएगी, आज या कल वो जा रही है, 2 दिन शी वॉन्ट्स टू स्टे इन अंधेरी एंड मीट यू नो अ कपल ऑफ फ्रेंड्स देयर, वहाँ पर उसको थोड़ा वीडियोज़ वगैरह भी बनानी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बोला मैंने उसे कि यहीं से कर ले सब कुछ, बट देन आई नो इट्स यू नो ईजियर फॉर हर टू गो टू अंधेरी एंड डू ऑल दोज थिंग्स, एंड एनी वे उसके वो वाले फ्रेंड्स अंधेरी में हैं। सो एक दो दिन के लिए वो अंधेरी चली जाएगी एंड देन वहीं से वो दिल्ली चली जाएगी। तो आज हम पहले करेंगे ऑर्डर्स पैक, उसके बाद हम शाम को जाएंगे सैलॉन अपने नेल्स वगैरह करवा के आएंगे। आई विल कीप यू गाइस विद मी। मैंने मैंने आपको बताया नहीं मेरी काफ्स का, क्योंकि लास्ट जो आपने व्लॉग देखा था उसके हिसाब से मेरे काफ्स में मसल्स पुल हुई थी एंड आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, सो आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू अपडेट यू गाइज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस व्लॉग दैट आई एम फाइन नाउ। बहुत हल्की सी फीलिंग रह गई अब मेरे राइट वाले काफ में कि हाँ कुछ हुआ था, बट अदरवाइज आई एम फाइन, लाइक 99% ऑफ द पेन इज नाउ गॉन। मैंने मोस्टली आइस पैक जो होता है लाइक उसी से ठीक हो गया मेरा, थैंकफुली कोई टेयर नहीं हुआ अंदर, कोई लिगामेंट या कुछ ऐसा, तो दैट्स गुड। सो आई एम फाइन काफ्स वाइज। एंड जिनको नहीं पता है सिंगापुर में बंजी जंपिंग करते हुए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी, सो वो आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलो अभी नाउ आई विल गो टू द स्टॉक रूम, जो भी ऑर्डर्स हैं वो सब बेडशीट्स वगैरह जो भी हैं मोस्टली बेडशीट्स ही हैं, तो वो निकालूंगी जो जो सेल हुई हैं, और तब तक टीम आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग पैकिंग वैकिंग शुरू करेंगे।
ओके सो अब हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी है, मैंने और कनिका ने. मोस्टली सारे ऑर्डर्स जो थे वो बेडशीट्स के ही थे क्योंकि न्यू लॉन्च वही किया था हमने, और थोड़े बहुत बीच में बस साड़ियों के ऑर्डर्स थे. तो या अब मैं यही करने वाली हूँ, हम लोगों को आराम से लग जाएंगे 2-3 घंटे लग जाएंगे सारे ऑर्डर्स पैक करने में, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपना सैलून के काम के लिए. अब मैं आ गई हूँ नेल्स करवाने के लिए, एंड दिस इज हाउ आई एम गोना एंड माय डे. रात को जाके पैकिंग भी करनी है, तो मैं आपको अब जल्दी मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में. होप यू गाइस एंजॉयड. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय.